बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अच्छा, ये सारे सवाल हैं मेरे पास। मैं आपसे सवाल करूंगा, जिसको जवाब आता होगा वो पहले हाथ उठाएगा। जो पहले हाथ उठाएगा मैं उससे जवाब पूछ लूंगा। जिसने ज्यादा नंबर ऑफ सही जवाब दिए वो जीत जाएगा आखिर में। इसलिए आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जवाब देने हैं, लेकिन सही। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछूंगा, जिसको जवाब आता होगा वो पहले हाथ उठाएगा, फिर मैं उससे जवाब पूछूंगा। वैसे ही आपने माइक उठा के नहीं बोल देना कि इसका जवाब ये है, वो काउंट नहीं होगा। हाथ उठाएंगे, मैं खुद पूछूंगा। चारों रेडी हैं? चलिए पहला सवाल। बैतुल मुकद्दस में पैगंबरों की जमात की इमामत किसने की? जी माइक में, माइक माइक। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल सही जवाब। हर जवाब पे तालियां होंगी। माइक चारों हाथ में ले लीजिए आप और करीब करके बोलिएगा, पोडियम पे ना रखें। पहले हाथ उठाएंगे फिर जवाब देंगे, सही है। दूसरा सवाल, आपका एक पॉइंट हो गया है। सूरह इखलास की कितनी आयात हैं? सूरह जी आप चार। माइक चार। चार। बिल्कुल सही जवाब। मैंने कहा है हाथ उठा के बोलना था। एक एक जवाब दोनों ने सही दिया है, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए दोनों के लिए। एक जवाब आपने सही दिया है, एक जवाब आपने सही दिया है, आप दोनों के जीरो पॉइंट्स हैं। तीसरा सवाल, मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आसमान पर किस पैगंबर से मुलाकात हुई थी? जी मूसा अलैहिस्सलाम। गलत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। तीनों का एक एक पॉइंट हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी मुकम्मल सूरत नाजिल हुई? जी सूरह मोहम्मद। गलत। माइक में। सूरह मुल्क। नहीं जी गलत। सूरह इखलास। सूरह निसा। गलत। सूरह इखलास। नहीं जी गलत। इसका जवाब था सूरह फातिहा। दूसरा सवाल आएगा। तीनों ने एक एक सही जवाब दिया है अभी तक। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात कहाँ हुई थी? हजरत खालिद बिन वलीद की वफात कहाँ हुई थी? इराक। गलत। मदीना मुनव्वरा। बिल्कुल सही जवाब। कंपटीशन टाई हो गया है, चारों ने एक एक सही जवाब दिया है। अच्छा जी, कुरान पाक के किस पारे में सिर्फ एक सूरत है? कुरान पाक के किस पारे में सिर्फ एक सूरत है? माइक में। दूसरे पारे में। दूसरे पारे में। बिल्कुल सही जवाब। 2-1-1-1। जो रनर्स अप होगा उसके लिए भी डिस्काउंटेड पैकेज है, जो विनर है उसके लिए तो पूरा पैकेज है, जो रनर्स अप होगा उसके लिए भी डिस्काउंटेड पैकेज है कारवान इस्लामी की तरफ से। इस्लाम में सबसे पहला जुम्मा कब अदा किया गया? कौन सी हिजरी में? इस्लाम में सबसे पहला जुम्मा कब अदा किया गया? माइक में। छः। गलत। कौन सी हिजरी थी? नहीं पता किसी को? नहीं, उन्होंने वही बताया। गलत। सेकंड। नहीं सेकंड नहीं। नहीं जी गलत। इसका जवाब था पहली हिजरी को। अच्छा जी, नबी के लघवी मायने क्या हैं? मैसेंजर, मतलब मैसेंजर, पैगाम, पैगाम क्या, रसा, रसाल कर, पैगाम। नबी के लघवी मायने क्या हैं? मैसेंजर ही होता है। मैसेंजर के लिए खबर, कौन सी खबर देने वाला? तब उसकी खुदा के पैगाम देने वाला, खुदा का पैगाम देने वाला, मतलब नबी के लघवी मायने क्या है? एक फ्रेज है पूरी है जी, बताइए आप कुछ कह रही है? नहीं आपको भी नहीं पता। नबी के लघवी मायने क्या है? लघवी मायने क्या? नबुवत से मुताल्लिक। नहीं जी गलत। जैसे क्या है मतलब? डराने वाला, गैब की खबर देने वाला। चलिए एक सवाल और। 2-1-1-1। उम्मत पर पांच वक्त की नमाजें कब फर्ज हुई? जी मेराज पे। जब माइक पे। जब नबी पाक मेराज पे गए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे। बिल्कुल सही जवाब। 3-1-1-1। कयामत के दिन सबसे पहले लोगों के दरमियान किस चीज का फैसला होगा? कयामत के दिन
سب سے پہلے لوگوں کے عمال کا عمال کا نہیں جی غلط نماز کا غلط انصاف نہیں سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان کس چیز کا فیصلہ ہوگا جی 3111 ہے نہیں بتا جنت اور دوزخ نہیں جی خون کا فیصلہ ہوگا اس کا جواب ہے خون کا خون کا خون چلیے یہ سوال فتح مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا فتح مکہ میں جی معاف کرنے کا مسئلہ حدیبیہ تھا معاف کرنے کا معافی کا اعلان کیا تھا آپ معافی کا بالکل صحیح جواب 3211 کاروان اسلامی کی طرف سے عمرے کا پورا پیکج آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ کے ساتھ ڈسکاؤنٹڈ پیکج جائے گا دونوں آ جائیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے پاکستانیوں آئیے ایک منٹ ادھر آئیے آپ ادھر آئیے یہاں سے پکڑیے آئیے دونوں کے لیے پہلے بہت ساری تالیاں ہو جائیں کاروان اسلامی کی طرف سے یہ آپ کے ساتھ جائے گا عمرے کا پیکج یہ ڈسکاؤنٹڈ پیکج آپ کے ساتھ دونوں عمرہ کیجیے گا تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں